पिछले दिनों औरंगाबाद में दिल्ली गेट से लेके आज़ाद कॉलेज या हरसू टी पॉइंट तक कुछ स्पीड ब्रेकर डिवाइडर लगाए गए थे, जिससे बहुत से नागरिकों का दुर्घटना हुई, अपघात का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटलाइजेशन भी हुए बहुत से। लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये बोलना था कि ये डिवाइडर अचानक लगाए गए, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई वाइट मार्क नहीं है और कोई इंटीमेशन नहीं है कि यहाँ पे। जनरली कुछ लोगों का ये भी बोलना था उसके अंदर कि ये स्पीड ब्रेकर लगाने के पीछे किसी न किसी की साजिश है। अब वो क्या साजिश है क्या नहीं वहाँ के स्थानीय लोगों को पता है। फिर भी ये बात जब न्यूज़ वायरल हुई मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और हमने भी न्यूज़ लगाए थे सबसे पहले इसमें कि यहाँ पे लोगों को स्पीड ब्रेकर लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत सारे। इस सोशल मीडिया और मीडिया की न्यूज़ PWD के भगत साहब के पास है, जो कि इंजीनियर है, यहाँ के HOD है, इनके पास है। इन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर आदेश दिया इनके डिपार्टमेंट को कि भाई ये स्पीड ब्रेकर का मसला हल करो, इसको छोटे करो और क्या कंप्लेन है। आइए बात करते हैं हम भगत जी से। सर, ये दिल्ली गेट का आपने देखा होंगे स्पीड ब्रेकर जो लगे हुए थे, तो उसमें किसी की साजिश थी कि स्थानीय लोगों का बोलना है? नहीं नहीं, हिमायत बाग एरिया के जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों ने हमारे तरफ लेटर दिया है, बहुत बार हमारे को फ़ोन भी किया है कि आप वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाओ, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, लोग ज़्यादा स्पीड से जा रहे, इसलिए हमने वहाँ पर स्पीड ब्रेकर का लगाने का प्रयोजन किया था। लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर लगाया तो हमने साइड पट्टिया जो बाजू में पेंट वेंट लगाना पड़ता वो लगाना रह गया था, नेक्स्ट दिन लगाने वाले थे, तो मिन टाइम ऐसे एक्सीडेंट होने के हमको हमारे पास ये आ गई खबर आ गई, तो हमने वैसे ही दूसरे दिन उन हमारे स्टाफ को बोल के वहाँ पे पेंट लगाने का काम चालू किया, और कुछ जगह और करने का है और हम 4-5 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है, अभी अफवाह है कि ऑथेंटिक बात है पता नहीं, पर मुझे तो इससे पहले मेरे पढ़ने में आया था कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि हाई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए, तो उसकी कोई लिमिटेशन है उसकी? नहीं, नेशनल हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सिटी पोर्शन है, यहाँ पे क्राउडेड एरिया बहुत है, ट्रैफिक बहुत होने की वजह से वहाँ पे लोगों के रोष की वजह से हमको वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ा है। लेकिन ये जो नेशनल बोलने के लिए दिल्ली गेट से लेके हरसूल तक ये सिटी पोस्ट है, पर पूरे नेशनल हाईवे के यही लिंक रोड है और यहाँ से पूरे स्कूल के बसेस जाती है, आगे पूरे स्कूल्स है, पेरेंट्स सुबह सुबह नींद में रहते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और रास्ता निकाले इसके लिए, छोटे स्पीड ब्रेकर करो या बॉम्बे पुणे में जैसा एक पट्टी आती है 10-12 लाइन की बारीक बारीक बारीक, वो कर सकते? नहीं, अभी इस रोड पर नया काम मंजूर हो रहा है, उसमें हम ये जो आप बता रहे हैं वो काम वैसे करेंगे, उसमें स्टेट में लेके प्रोविजन। अच्छा, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के कुछ कॉन्ट्रैक्टर है, उनके दबाव में ये साजिश है कि ज़बरदस्ती लगाया गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ तो संगठन है, उन्होंने पत्र दिया है हमको। कौन से संगठन है? संगठन का नाम फिलहाल तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन है, लेकिन तो उनके पत्र देने की वजह से हमको लगाना पड़ा वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जानकारी देने का। ये थे भगत साहब, इनका कहना ये है कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों की तकरार थी बार बार, उनका कहना था कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, लेकिन जो भी स्पीड ब्रेकर का प्रॉब्लम आ रहा था इन्होंने उसको सॉल्व कर दिया, इनका ऐसा कहना है। दूसरी बात, अगर आगे भी कुछ दिक्कत आती है तो ये बिल्कुल साथ देंगे। आप देख रहे हैं MCN समाचार, मैं सैयद इम्तियाज़, कैमरामैन मुख्तार शेख के साथ।